कट गया पूरा यहाँ पर बना रहा है कॉन्वॉय जा रहा है आए हैं सेंट पैट्रिक कैथीड्रल ट्रिनिटी कॉलेज सेंट में भी पूरा मेन एरिया है कॉलेज का हम लोगों का कोलकाता का फ्लाइट मिस हो चुका है फ्लाइट ऑलरेडी निकल चुका है देखो अभी यहाँ पर सभी लोगों को खड़ा करके रखे हैं वीजा एक दिन का ही मिलेगा Hey guys, welcome back to my new vlog. So, सुबह vlog start कर रहा हूँ with a refreshing morning. और यहाँ पर ये देखो सुबह बारिश हो रहा है अभी हम लोग है गैलवे में आप लोगों को तो मालूम है पिछला vlog अगर देखे हैं तो और सुबह मैं ट्रॉली लेने गया था मेरा उंगली बीच में था और उठा दिया और देखो कट गया ये देखो कट गया पूरा तो अभी बैंडेड लगाए हैं देखते हैं इशू क्या हो रहा है मालूम है कि बीच में कटा हुआ है तो फिंगर्स को फोल्ड नहीं कर सकते तो ये इशू आ रहा है बहुत कैमरा लेफ्ट हैंड से आज पकड़ रहा हूँ क्योंकि राइट हैंड में पकड़ने जा रहा हूँ तो लग रहा है आज के दिन ही ये होना था भाई घर जाके होता तो कोई इशू नहीं था अभी हो गया ना तो भाई थोड़ा इशू होगा सो अभी हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं गाड़ी आएगा और हम लोग निकल जाएंगे डबलिन के लिए डबलिन जाके आज वहाँ पर थोड़ा बहुत सिटी टूर है उसके बाद रात को हम लोग होटल घुस जाएंगे मतलब शाम को ही घुस जाएंगे उसके बाद रात के 2-3 बजे मतलब नेक्स्ट वाले दिन में तो उस अर्ली मॉर्निंग हमारा फ्लाइट है 5 या 6 बजे तो हम लोगों को एयरपोर्ट जाना पड़ेगा उसके बाद सो गाइस वो क्लिप देखे उसके बाद सीधा हम लोग ट्रैवल करके आए हैं डबलिन और डबलिन के बाद मतलब यहाँ पर आए पहुँचे उसके बाद ही रेस्टोरेंट मतलब उसके बाद ही हम लोग रेस्टोरेंट आ गए क्योंकि यहाँ पर बज रहा है 12:30 तो लंच करेंगे लंच करने के बाद यहाँ पर साइट सीइंग करेंगे उसके बाद जाएंगे होटल में तो फिलहाल के लिए अभी लंच करते हैं और उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं और लंच के टाइम अगर कुछ स्पेशल रहेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे होटल काफ़ी अच्छा है यहाँ पर बहुत ही बड़ा होटल है ये आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं ये देखो ये कुछ रेस्टोरेंट है भाई काफ़ी अच्छा है काफ़ी बड़ा है यहाँ पर गणेश जी हमारा और कुछ ऐसा है बफेट है यहाँ पर कुछ इतना सारा डिश था टोटल यहाँ पर भी बहुत सारा फूड्स है ये देखो सब स्टार्टर्स वगैरह है राइस वगैरह है बहुत कुछ है पापड़ है इस साइड में यहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह भी है डेजर्ट में ये सब मिलेगा और यहाँ पर मफिन्स वगैरह है यहाँ पर वो रोल आइसक्रीम है बाकी यहाँ पर पेस्ट्री वगैरह भी मिलेगा खाना पीना हो गया था अभी रोल आइसक्रीम खाने आए ये देखो यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर बना रहा है सो गाइस अभी हम लोग आए हैं सेंट पैट्रिक कैथीड्रल के सामने तो आप लोगों को वो दिखाएंगे कोई कॉन्वॉय जा रहा है सो जो भी है जैसा भी है सो फिलहाल के लिए हम लोग अभी सेंट पैट्रिक कैथीड्रल के सामने आ गए हैं एकदम आप लोगों को दिखाएंगे पार्क टाइप है उसके सामने ही कैथीड्रल है ये देखो ये कैथीड्रल है ये है कैथीड्रल फोटो खींचते हैं सो गाइस अभी आए हैं ट्रिनिटी कॉलेज यहाँ का आप लोगों को दिखाएंगे अभी अंदर जाएंगे आई गेस अंदर एंट्री है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है पर आई गेस होगा अगर होगा तो आप लोगों को दिखाएंगे ये देखो ट्रिनिटी ट्रैवल्स यहीं का टूर होने वाला है अभी टूर होने वाला है यहाँ का अंदर आ गए हैं बाकी आप लोगों को दिखाएंगे अंदर का सब कुछ जो भी रिकॉर्ड करना अलाउड रहेगा सब दिखाएंगे ये देखो ट्रिनिटी कॉलेज का अंदर का कुछ ऐसा व्यू है ऐसा कुछ व्यू है अभी चीज़ कुछ ऐसा है कि मैं छुप छुप कर वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर व्लॉग करना मना है मना कर दिया मेरे को ये बड़ा वाला कैमरा लेकर कॉलेज का कैंपस ये है ये देखो कुछ ऐसा है सामने वहाँ पर मेन एरिया है बाकी इस साइड में भी पूरा सामने जाके कैंपस है बहुत बड़ा है ये बहुत बड़ा ये देखो इस साइड में भी है इस साइड में भी पूरा मेन एरिया है कॉलेज का और वो देखो एक बिल्डिंग है मेन यहाँ पर क्लॉक लगा हुआ है
कुछ ऐसा है। मम्मी पापा वहाँ पर जा रहे हैं उस साइड में, अभी हम लोग सामने जा रहे हैं। ये कुछ स्ट्रीट है, आप लोग देख सकते हो। बाकी अंदर तो ऐसा उतना व्लॉग करने नहीं दिया, हर जगह पूरा सिक्योरिटी था तो व्लॉग नहीं कर पाया उतना, पर फिर भी जितना हो सका मैंने किया। अभी सोच रहा हूँ कि दो दिन का एक कर देंगे, मतलब वो एयरपोर्ट वाला व्लॉग भी इसी में डाल देंगे, देखते हैं क्या होता है। सो गाइज, आप लोगों ने वो क्लिप देखा, उसके बाद होटल आए, डिनर हुआ और रात को सोए नहीं, काम कर रहा था लैपटॉप में, व्लॉग से एडिट कर रहा था और थोड़ा घूम के भी आए। सो जो बात है कि यहाँ पर अभी बज रहे हैं रात के 4:20, हम लोग अभी होटल से निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट जाने में 5 लग जाएंगे, उसके बाद हम लोगों को फ्लाइट है 8 शायद से, हाँ 8 से फ्लाइट है, तो हम लोग उसके बाद जाएंगे कतार, कतार से कोलकाता। आज हम लोगों का रिटर्न फ्लाइट है, तो कल का व्लॉग देखा कि उतना कुछ खास नहीं हुआ, तो सोचा कि उसी व्लॉग में ये डाल देता हूँ, दो दिन का एक व्लॉग कर दूँगा, तो आप लोगों को भी देखने को भी मज़ा आएगा और मेरे को मतलब कंटेंट देने में भी इजी होगा, तो इसलिए बना लिया ऐसा कुछ। तो फिलहाल के लिए नीचे जाते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका है क्योंकि 4:15 को टाइम था, 4:20 हो चुका है, फ़ोन आ रहा है नीचे से, तो मैं जाता हूँ और निकलता हूँ, आप लोगों को भी मिलते हैं बाद में रास्ते में। चलो फ्लाइट के यहाँ पर आ चुका है। सो गाइस, अंदर आ गए थे, अभी सो गया था मैं क्योंकि रात पूरा नहीं सोया, मैंने बोला ना, तो इसीलिए भाई अंदर आके ही सो गया था। अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ कि बोर्डिंग चालू होने वाला है, तो हम लोग जा रहे हैं। अभी यहाँ पर 8:05 हो रहा है, तो अभी बोर्डिंग गेट के वहाँ पर जा रहे हैं, फ्लाइट में बोर्ड करके फिर से सो जाऊँगा, कतार में मिलेंगे आप लोगों से। ये देखो, ये कतार का फ्लाइट है, अभी मिलेंगे आप लोगों को एकदम कतार में उतर के। सो गाइस, अभी जो चीज़ हुआ है कि हम लोग कतर एयरपोर्ट में लैंड किए, पर हमारा पिछला वाला फ्लाइट थोड़ा लेट था, तो हम लोगों का कोलकाता का फ़्लाइट मिस हो चुका है, फ्लाइट ऑलरेडी निकल चुका है। तो इन लोगों ने वो बोला है कि कल का फ़्लाइट हम लोगों को एकोमोडेट करेगा, कल का सेम टाइम का फ़्लाइट मिलेगा, मतलब आज जो फ़्लाइट था ना 6:40 या ऐसा टाइम ना, वही कल का फ़्लाइट में, वही शाम का फ़्लाइट में ही मिलेगा टिकट, पर एक दिन हम लोगों को रुकना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पर सभी लोगों को खड़ा करके रखे हैं, अभी पासपोर्ट्स वर्ट्स दे रहे हैं, फिर पासपोर्ट्स ले रहे हैं और टिकट्स देंगे अभी। तो अभी हम लोगों को ये लोग ले जा रहे हैं ये क्रू, और लेके जाके हम लोगों को जो ट्रांजिट है वो आज, वीज़ा एक दिन का ही मिलेगा, कल इन लोगों के वहाँ से ही हम लोगों को वापस लेके आएंगे होटल। यहाँ पर एयरपोर्ट ट्रांसफ़र वगैरह, होटल का मील वगैरह, बेडरूम जो भी है सब ये लोग प्रिपेयर करेंगे, हम लोगों को कुछ देना नहीं पड़ेगा, पर फिर भी 24 डिले है, मतलब समझ रहे हो, एक दिन पूरा लेट पहुँचेंगे कोलकाता। अभी बाहर आ गए हैं और बस से होटल जाएंगे, मतलब देखो, मतलब ये भी एक्सपीरियंस हो गया कि फ़्लाइट मिस करने के बाद क्या क्या होता है, मतलब अगर खुद मिस कर तो कुछ नहीं होगा, पर इन लोगों के लिए अगर मिस होगा तो भाई कितना क्या पॉजिटिव रहता है, क्या क्या होता रहता है, वो सब देखने को मिल गया। और वेदर यहाँ पर इतना गर्म है ना, मतलब रात का टाइम है और अभी भी पूरा स्किन जल जल रहा है, ऐसा लग रहा है, इतना गर्म है। और बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, आप लोग देखो, कैमरा मैंने तो बैग में डाल दिया है, फ़ोन से ब्लॉक कर रहा हूँ। सो गाइज, वो क्लिप देखे उसके बाद होटल आए, होटल में आके डिनर किया, डिनर करने के बाद रूम में आए, और आप लोगों को तो जैसे देखे कि मतलब ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली होना था तो कोलकाता जाके, पर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो भी बोल सकते हो, हम लोगों को मिल गया कतर में एक रात का स्टे, तो वो लकीली देखोगे तो एक तो चीज़ है कि कतर कल सुबह देखने को मिलेगा, क्योंकि एक टूर कर सकते हैं कल सुबह, और उस साइड से देखोगे तो अनलकी है क्योंकि भाई घर जाने का था यहाँ पर, मतलब सडनली स्टक हो गए, तो दोनों ही है 50-50, तो जो भी है, जैसा भी है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसीलिए भाई टेंशन लेने की ज़्यादा चीज़ नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए मतलब फ्रेश होते हैं, उसके बाद सो जाता है, पर ट्रॉली वगैरह नहीं मिलेगा तो यही ड्रेस पहन के सोना पड़ेगा। तो हम लोगों ने होटल से रिक्वेस्ट किया है कोई अगर मतलब नाइट ड्रेस वगैरह मिलेगा तो अच्छा होगा, तो देखते हैं कितना क्या होता है। मिलेंगे आप लोगों को बहुत ही जल्द अगले वाले व्लॉग में ये दोहा का सिटी टूर मिलेगा आप लोगों को, तो वो व्लॉग के लिए वेट करो, और उसके साथ साथ घर रिटर्न वाला भी व्लॉग उसी में कर देंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को वही वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, विल बी मीटिंग यू वेरी वेरी सून, टिल देन बाय बाय।